अनफॉर्चुनेटली यार मेरे को बस इस ट्राई की गोंडोला राइड नहीं मिली हमको। भैया अभी हमको ले जाएंगे गोंडोला राइड फेज वन तक। तो भाई ये ही है जो पीछे मेरे देख सकते हो, रोपवे गोंडोला राइड जिसको कह दो। हाँ जाते हैं ना ये लगभग भैया कितना लेता होगा, 10 मिनट? हाँ इसका टाइम भी होता है। हाँ भाई 10 मिनट के लगभग लेता होगा, पर हमको तो टिकट मिली नहीं तो इसलिए इसलिए हम ट्रैक करके जा रहे हैं। बहुत नया दिन और इस खूबसूरत सी जर्नी में आप सभी लोग का वापस स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में दिख गया था भाई, या मैंने हिंट दे दिया था कि जब हमको गुलमर्ग की टिकट ही नहीं मिली तो हम जाएंगे कैसे, तो भाई इस व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे जा रहे हैं और बाकी तो पूरा ट्रैक करके जाएंगे। तो आपको भी पता चलेगा कि अगर आप भी आ रहे हो आपके पास टिकट नहीं है तो आप कैसे ट्रैक करके जा सकते हो, देखते हैं पूरा एक्सपीरियंस आपको इस व्लॉग में पता चली जाएगा। बने रहो लास्ट तक, मजा आने वाला है भाई बहुत ज्यादा। तो लगभग भाई अभी हमने भी भैया अभी हमको ले जाएंगे गोंडोला राइड फेज वन तक, हम ट्रैक करके जाएंगे देखते हैं कैसा रहता है। और बाकी यहाँ से 3 किलोमीटर बता रहे हैं भैया, 3 किलोमीटर फेज वन पड़ता है, देखते हैं भाई चलते हैं ऊपर कितने टाइम में पहुंचेंगे देखते हैं। अभी तो लगभग मतलब 1 बज रहा है लगभग। भाई तो बोलते हैं कि सिर्फ बर्फ देखने ही तो फेस वन जा रहे हैं, भाई बर्फ तो नीचे भी मिल जाएगा, नीचे देखो कितनी बर्फ है, चारों तरफ मेरे बर्फ ही बर्फ है। लेकिन भाई ये जो एक्सपीरियंस है ना क्लाइंब करने का और इतना इतना बर्फ भाई नहीं मिलेगा आपको, और भी मई में देख रहे हो। और चल फिर सकते हैं, हमारे में उतना स्टेमिना है तो बस भाई दिक्कत तो कुछ नहीं होगी। देखो ब्लॉगिंग करने के चक्कर में मैं देखा नहीं वहाँ पे, ये देखो पत्थर था तो थोड़ा थोड़ा ब्लॉगिंग करते हैं और आराम आराम से बढ़िया चलते हैं ऊपर, और ऊपर के भी नज़ारे मैं तो खूब एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, आपको भी दिखाते हैं चलो। ये देखो भाई यहाँ पे आप घोड़ा करके भी आ सकते हो, और बाकी क्या घोड़ा करके भी आ सकते हो, हमेशा ट्रैक करके भी आ सकते हो, दोनों बेस्ट ऑप्शन है। तो भाई अभी तक हम हाफ पहुंच चुके हैं, अभी आपको आगे दिखा दूं कितना ऊपर हम चढ़ गए। ये देखो देख रहे हो वहां से वो हमारे पिताश्री आते हुए, उसके पीछे हमारी मम्मी, उसके पीछे हमारा गाइड। गाइड कैसे दिया क्या लिया वो सब मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, बाकी फिलहाल आप ये व्यू एंजॉय करो ना। हाँ अच्छा हमारे साथ तो एक पेंगुइन भी चल रहा है। अभी जितना आया उससे आधा से थोड़ा और है, और ये देखो ये इनका हो गया है, इसका भी हो गया है, मैगी खा रहे हैं यहाँ पे, और देखते हैं या तो पापा मैं जाएंगे जाएंगे वरना हम भी यहीं से फिर नीचे चलते हैं। अरे यहीं खेलो मजे करो यार, देखते हैं मत्ते नहीं हो। भैया ने एक और बात बताई थी भाई कि जैसे यहाँ पे तो यूनियन टैक्सी चलती है ना, लेकिन आप अपनी टैक्सी में भी जा सकते हो अगर जैसे गाइड आपके साथ हो ना भैया, जैसे अगर मैं भैया का नंबर भी दे दूंगा अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर लेना, मैं इनसे मांग के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी एक बार भैया आप अपना नंबर भी बताई दो। 8492 876876। हाँ भैया कॉन्टेक्ट कर देना, मस्त आपको घुमा देंगे।
और अगर आप अपनी व्हीकल से भी आ रहे हो तो यहाँ पे हाँ घूमने के लिए, अगर ये आपके साथ बैठे रहेंगे तो यूनियन टैक्सी वाले कुछ नहीं कहेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। यूनियन टैक्सी फालतू में आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे, आपके साथ टैक्सी है ही तो आप इन्हीं को ले लो, वो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो बस अब मम्मी और दीदी तो वहीं रुक गई है, हमको देखो जा रहे हैं हम सीधा। हमने कहा कि हाँ बस वो देखो वो दिख रहा है ना, वो रहा लास्ट स्टेशन, वहीं तक चलते हैं यार, अब इतनी दूर आ गए हैं। तब मैंने सोचा कि यार मम्मी भी बोली नहीं तुम लोग जाओ हम लोग वहीं पे रुकेंगे, मम्मी दीदी तो नहीं चल पा रही हैं, पापा मैं चल लेंगे। बाकी हाथ दुख जा रहा है अभी मेरा ऐसे करते करते, बाकी चलते हैं। और ये देखो हम लोग चलते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। फालतू तो देखिए नहीं है, बाकी मज़ा तो खूब आ रहा है। पापा कह रहे हैं फालतू उधर जाना, पापा वापस जा रहे हैं मम्मी के पास। ये इधर से ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, खड़ी नहीं है, यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। वो देखिए वो जा रहे हैं लोग, वो देखिए मतलब खड़ी थोड़ी मिलेगी, नहीं आप ज्यादा पीछे रह जाएंगे तो आप जाइए मम्मी के पास। फाइनली भाई आते जाते रस्तों में बहुत लोगों ने मना किया कि नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा है, शाम हो जाएगी रात हो जाएगी। देखो भाई पहुंच गए ना, वो अलग बात है मम्मी पापा रुक गए वहाँ पे, लेकिन भाई कोई बात नहीं, उनकी भी एक एज होती है। हम आ गए यहाँ तक, मैंने एक यहाँ तक मैंने कहा था हम आएंगे, फेस वन ये रहा। ये देखो गोंडोला भी आपको यहीं तक छोड़ती है और मैं यहाँ तक आ गया। ये नीचे जाने के लिए क्यू लाइन लगी है, कितनी भीड़ लगी है। अब वही है देखो भैया थे तो बढ़िया हो गया, बढ़िया। आप जब भी आओगे ना बस इनको कॉल कर देना, टाइम बता देना है ना, ये आपके पास आ जाएंगे। हाँ अब फिक्स कर लो टाइम, अगर आपको टिकट नहीं मिल रही है, अगर टिकट मिल रही है तो भाई आप टिकट लेके आओ तो आपको, हाँ ये टिकट के भी साथ आ जाएंगे। अच्छा हाँ तो ये क्या करेंगे ना, फेज टू में एक और जगह है जहाँ पे लेक दिखती है ना भैया, वहाँ पे भी आपको ले जाएंगे, वहाँ पे अकेले नहीं जा सकते। पर प्यार क्यों हो गया, देखो देखो मैं यूं बेताब हूँ, थोड़ा थोड़ा तुम भी तो हो लो जरा, धीरे धीरे आ दोनों दिल मिले, जरा जरा मिट जाए। लेकिन ये तो देख रहे हो इतना खूबसूरत ये लग रहा है ना, मतलब आप यहाँ पे आओगे एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको ये पता चलेगा। कैमरे में भी उतना कुछ खास लग नहीं रहा होगा, लग रहा होगा यार पहाड़ी तो है ना, लेकिन सामने से आओगे ऐसे मेरे तरह ऐसे बैठोगे यहाँ पे, बढ़िया चिल मारो है ना, मस्त बैठो यहाँ पे, देखो पूरा सही नज़ारा। धूप इतनी तेज है, गर्मी लग रही है, ठंड 1% की नहीं लग रही, बर्फ है इतना तो भी सोचो धूप, क्योंकि पहाड़ पे धूप आपको बहुत तेज लगती है। और देखो ये सब जा रहे हैं फेस वन फेस टू के लिए, जितने गोंडोला है ना सब फेस टू के लिए जा रहे हैं। देख रहे हो कितना दूर है भाई फेस टू, वहां पे अगर आप जाते हो तो देखो बर्फ तो आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन अगर वहां आप जा रहे हो ना तो एक काम जरूर करना, वहां पे एक लेक है वहां पे जाना, और आपको गाइड वहां पे लेना ही पड़ेगा, आप भूल जाओगे कि कहाँ थे क्या, लेकिन वो भाई इतना दूर जाओगे तो एक गाइड रखो अपने साथ और वो लेक के पास जाओ, कभी कभी वो जमी भी रहती है ठंड के टाइम में, आप उसके पास भी जा सकते हो और अगर नहीं तो दूर से देख के आ सकते हो, बहुत वो भी बहुत सुंदर लगता है, मैंने देखा है व्लॉग्स में दूसरों के, बट हमारे तो बुक नहीं हो पाया तो हम नहीं जा पाएंगे, बट यहीं पे बहुत मजा आ रहा है। देख सकते हो
यहाँ पे हमने अपना सफर कंप्लीट कर लिया, अब चलते हैं नीचे क्योंकि भाई टाइम भी हो चुका है, 4 बज चुके हैं, 4:30 के बाद हम नीचे जा नहीं सकते, इसलिए फटाफट चलते हैं। और आसिफ भाई हमारे साथ ही हैं, और ये देखो व्यू देख रहे हो, व्यू भाई मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन क्या करें जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा वेट भी कर रहे हैं नीचे मम्मी पापा। और ये गोंडोला फेज 2 से आते हुए ये देखो नीचे, हम जल्दी पहुंच जाएंगे उसकी चिंता नहीं है, बस जल्दी जल्दी चलते हैं। और इस ब्लॉग को भी आप इंजॉय कर रहे हो तो लाइक करो जल्दी से जल्दी, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो आने वाले हैं या आप आने वाले हो, अपने फैमिली में शेयर करो। बाकी ये व्यू तो बहुत मजेदार, और ये देखो कितना पैर अंदर चला जाता है भाई, बहुत ही मजेदार रहा ये ट्रिप। अच्छा हुआ मैं यहाँ पे आ गया हिम्मत बांध के, लोग बोलते हैं कि भाई जाओ मत जाओ मत जाओ, अपना घोड़े से जाओ ये वो भाई, लेकिन इसका ट्रैक का अलग मजा है। ट्रैक में आप पूरा एक्सप्लोर करोगे चीजें को, यहाँ से आप टिकट मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप टिकट से जाओ, लेकिन नहीं मिला तो ये चीज जरूर करो। हाँ बहुत मजेदार है भाई ये, चलते हैं अब फटाफट, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपका स्वागत है, आपका दिन मंगलमय हो। मैं कुंभदूरी में आए सभी पर्यटकों से अनुरोध करता हूँ कि आपके पास यहाँ सीमित समय है, कृपया अपने टिकट स्लॉट का समय जांच लें और अपने टिकट को रद्द होने से बचाने के लिए स्टेशन पर वापस आए, अन्यथा आपको पैदल ही दूर जाना होगा। कृपया हमारी ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करें। तो ये चीज इस चीज का भाई ध्यान पक्का रखना, इस चीज का ध्यान पक्का रखना, वरना आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। मैं तो पैदल ही आ रहा हूँ, लेकिन आप ऊपर से आगे भी पैदल ही जाना पड़ेगा। बाकी आप चलते हैं फटाफट। तो बस भाई ये देखो, अभी सुबह तक हम देख के गए थे पूरा बर्फ था ना, पिघल गया। अब जो कल तक आएगा वो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, कल परसों तक आएगा तो उसको यहाँ पे कीचड़ मिलेगा पूरा। हमारा लक अच्छा था, बढ़िया हो गया भाई। बस लगभग 5 बज गए, उतरने में टाइम लगा था, उतरने में हम 1 घंटे में उतर गए। हाँ 1 घंटे में उतर गए हम, और देखो कहाँ से आए हैं, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, बस इधर से ही हम आए, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, और जूम करूंगा आपको पूरा दिखा दूंगा। हाँ ये देखो ये चीज, ये ऊपर बस यहाँ से मैं आया हूँ। ये लोग तो ऐसी हैं, पर भाई इतना ही चढ़ गई है। हाँ पापा तो 75 नहीं, अब 90, मतलब सिर्फ 10% आता था आपका, 90% तक पापा जाके वापस आ गए। बाकी भाई बहुत बढ़िया था, मजा आ गया मेरे को, फ्री में घूम के आ गया मैं गुलमर्ग। अगर देखा जाए तो पूरा फर्स्ट फेज में फ्री में घूम के आ गया, क्योंकि यहाँ पे जितनी मैंने सुबह आपको दिखाई थी सब पिघल गई, सब देख रहे हो सब पिघल गई स्नो। और भाई ये शूज अगर आप लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लूटेंगे आपको इसमें, ये शूज अगर आप ले रहे हो ना, ग्रिप वगैरह पूरा पूरा देख के लेना, ग्रिप देखना जरूर जरूर जरूर, ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, ग्रिप जरूर देखना। और भाई अगर ऐसा है तो यहाँ पे 300-400 में भी जूते मिल जाते हैं, वो ले लो। ये भाई बहुत स्लिप करता है, जितने बार मैं गिरा हूं ना मैं बता नहीं सकता आपको, कमर मेरी एक हो गई। ये चीज आप पे लागू करता तभी जब आपके पास फेज 1 फेज 2 का टिकट ना हो, अगर है तो भाई डायरेक्ट जाओ फेज 1 फेज 2, चलने वलने का कोई मत रखना, मस्त वहां जाओ घूमो फिरो आ जाओ। और मेरे तरह अगर बनी की बात सुन के आना है तो भाई चल लेना। बाकी वहां पे एक पॉइंट है, वो देखो शिव टेम्पल, वहां पे मम्मी के जाने का मन है, चलते हैं वहां पे, और फिर चलते हैं भाई श्रीनगर। पहले आपको ये देखो, ये सीन भी भाई कोई मूवी के सीन से कम लगेगा नहीं आपको, और ज्यादा सीढ़ियां नहीं है, लोग इसे चले जाते हैं भाई, बहुत सीढ़ी है, कुछ नहीं है भाई। अभी देखो सामने ब्लॉगिंग करते करते मैं चल रहा हूँ। जय शिव शंभू, जय जय शिव शंकर। नाम टेम्पल ऐसे बड़ा था, 1915 की बात है, महाराजा हरि सिंह जी उनकी धर्मपत्नी दोनों दिन घूम रहे थे, जैसे रात को वो सोए तो उनकी धर्मपत्नी को रात को सोपने में भगवान शंकर जी ने दर्शन दिए। जैसे वो सुबह उठे तो इधर आए घूमने के लिए, तो उनको जहाँ पे शिवलिंग मिला,
महाराज साहब ने उसी वक्त अपनी पत्नी के नाम से मंदिर का निर्माण कर दिया, पत्नी का नाम से रख दिया। लेकिन शिवलिंग जो हजारों साल पुराना, किसी को कोई पता नहीं, वो इधर से ही मिला है। मंदिर को बने हुए 110 साल हुए। कहते जिस युग में भगवान शंकर, माँ पार्वती, अमरनाथ गए थे, इस रास्ते से गए थे, उस युग में इस जगह का नाम था गौरी मार्ग, उसके बाद गुलमार्ग बना। और इस मंदिर में प्रभु की इच्छा होती है तो सोमवार के दिन खीर का प्रसाद लगता ही लगता है। इतनी आगे इनकी इच्छा कितनी लगनी कितना नहीं, लेकिन बनता ही बनता है। और इसमें बड़ा शख्स जो हमारे एक मुस्लिम भाई थे, जिसने 40 साल से मंदिर में सेवा की, उसके बाद 2021 में आया। बस भाई, और आप एक और चीज बताना, आप एक सॉन्ग का शूटिंग भी हुआ, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी चलते हैं अब श्रीनगर। तो भाई, इस खूबसूरत से व्यू को हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। और अगर आपको ये ट्रैकिंग अच्छी लगी हो गुलमर्ग तक की, भाई वहां तक पहुंचना ही भाई मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। मैं अकेला था भाई, लोग मना कर रहे थे, आपको भी बहुत लोग मना करेंगे, लेकिन जाना भाई। मेरे जैसे हो या मेरे से ज्यादा हो, आप चल सकते हो, आपने ट्रैकिंग कर रखी है भाई, जाओ आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 3-4 किलोमीटर का है वो, बहुत ऐसे है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, बाकी तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी इस ब्लॉग को यही पैन करते हैं और दूसरे ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे कपड़े बदल गए, तो इस दूसरे ब्लॉग की भी शुरुआत करते हैं। ये ब्लॉग यहाँ तक अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये प्लेलिस्ट पूरी चलती आ रही है। अभी और 3 दिन बाकी है भाई, तो इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करो और आपको एक एक चीज बताऊंगा, कहाँ कहाँ क्या क्या रेट, कहाँ कहाँ कुछ कुछ, आपको कैसे कैसे आना है कश्मीर, आप किसी स्कैम में ना फंस जाओ। तो एक स्कैम वाली वीडियो में भी अलग बनाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ। तो चलो देखते हैं, और ये नज़ारे।